हेलो नमस्ते, वेलकम टू मिस मैक्रमे। आज का ट्यूटोरियल है क्रिसमस वॉल हैंगिंग, जो कि क्रिसमस ट्री है। और इसके लिए मैंने 2.5 mm ग्रीन मैक्रमे कॉर्ड यूज़ किया है। अगर आप मोटा मैक्रमे यूज़ करते हैं तो उससे आप बड़ा वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। और तो बेसिकली बड़ा क्रिसमस ट्री बनाने के लिए आप थोड़ा मोटा मैक्रमे यूज़ कीजिए और थोड़ा सा और लंबा बनाइए, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं 4 2 मीटर वाले जो कट किए थे थ्रेड मैंने, वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। और जो ये रिंग है 2 इंच डायमीटर की है, इस पर मैं चारों ऐसे ऐड करूँगी, फिर मैं आगे का प्रोसेस बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ऐड कर दिए हैं, तो उसके बाद मैं पिन कर लिया। बीच के 2 थ्रेड निकालते हैं, उनको ऐसे क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे से कर, और उस पर डबल हिच नॉट लगाते हैं। उसके बाद में हमें इन दोनों को दोनों साइड कर देते हैं और बाकी के बचे हुए थ्रेड्स से डबल हिच नॉट लगाते हैं इन दोनों थ्रेड पर दोनों साइड। तो इस तरह से आप देखेंगे ये मैं कर। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर से बीच से 2 लाइनें ली हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया है और डबल हिच नॉट लगाया फिर से सेम तरीके से बाकी बचे हुए थ्रेड से दोनों तरफ। उसके बाद में जब ये बन जाएगा, उसके बाद में बीच के 4 कॉर्ड्स लेके मैं एक स्क्वायर नॉट बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं स्क्वायर नॉट बना रही हूँ। उसके बाद में मैं जो दो इससे दोनों साइड आप देख रहे हैं कि 2 2 कॉर्ड बचे हुए हैं, तो 2 कॉर्ड इस स्क्वायर नॉट से और 2 साइड के कॉर्ड्स लेके दोनों साइड पे एक एक डबल एक एक स्क्वायर नॉट बनाऊंगी। ये देखिए, उसके बाद में मैंने फिर से क्या किया है कि 2 बीच के थ्रेड लेके एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस किया है। उसके बाद में बाकी बचे हुए थ्रेड से दोनों साइड जो बचे हुए थ्रेड्स हैं इधर इस बार भी 3 ही हैं, तो उनको उनसे मैं डबल हिच नॉट लगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला थ्रेड बचा, जो लास्ट वाला थ्रेड बचा हुआ है इस पर एक मैं बीड लगा रही हूँ, जो कि बेल की तरह दिखता है। ये हम दोनों साइड करेंगे।
इसके बाद में मैं यहाँ पे एक थ्रेड ऐड कर रही हूँ जो कि 180 सेंटीमीटर वाला है, और इसके जैसे मैंने इस साइड कर रही हूँ उसी तरह दूसरी साइड भी ऐड करूँगी, और फिर बीच के दो थ्रेड लेके दोनों साइड उन पे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेंगे, फिर दोनों साइड उन पे डबल हिच नॉट लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये प्रोसेस करने के बाद हम फिर से सेम तरीका करेंगे, पीछे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे, फिर ऐसे साइड में जितने भी स्क्वायर नॉट बनेंगे दो दो दोनों साइड से लेना है, और ये प्रोसेस हम दोनों साइड करेंगे। ये दो बीच वाली कॉर्ड से लिया है, फिर दो नेक्स्ट दो थ्रेड लिए हैं और स्क्वायर नॉट बनाए, फिर इस कॉर्ड से इस वाले नॉट्स के नीचे से दो थ्रेड लेंगे और नेक्स्ट टू और बच रहे हैं तो उनसे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। तो इधर तीन स्क्वायर नॉट इस बार बन रही हैं, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद में हम बीच से थ्रेड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर देते हैं और डबल हिच नॉट बनाना शुरू करते हैं सेम तरीके से, और फिर हम लास्ट वाली थ्रेड पे एक एक बेल ऐड करेंगे जैसे हमने पहले स्टेप में ऐड किया था, फिर हम इस पे एक एक और थ्रेड ऐड करेंगे जैसे हमने पहले स्टेप पे किया था। सेम तरीका है, हमें बस बेल ऐड करते जाना है और थ्रेड्स ऐड करते जाना है, यही प्रोसेस हमें करना है। बट कितना लंबा बनाना है ये आपके ऊपर है, तो आप चाहें तो जितना लंबा मैंने बनाया है उससे भी लंबा आप बना सकते हैं, और आप जितना लंबा क्रिसमस ट्री बनाना चाहें उतना लंबा क्रिसमस ट्री ये बन सकता है। मैंने छोटा वॉल हैंगिंग बनाया था और जो कि मैंने किसी अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था। आई होप आपको ये अच्छा लगे। के बाद यहाँ पे हम 180 सेंटीमीटर वाला एक थ्रेड ऐड कर रहे हैं और ये हम दूसरी साइड भी करेंगे, फिर हम इसके नीचे स्क्वायर नॉट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने फिर से बेल्स लगाई हैं, उसके बाद में हम एक डबल हिच नॉट और ऐड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे 160 सेंटीमीटर की एक थ्रेड ऐड कर रहे हैं जो कि एक्चुअली काफ़ी लंबी है। आप चाहें तो इसको 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मैंने मुझे काफ़ी कट करनी पड़ी थी ये वाली थ्रेड, तो आप इसको 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद में आप देख रहे हैं कि मैंने क्लाइन बना दिया है और मैं यहाँ पे जो लास्ट में है वो मैं अब बेल्स ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद में हम दूसरी वाली लाइन बनाएंगे डबल इच नॉट की। मैंने इस बार पहले ही ऐड कर दिया है, जो कि एक अच्छा तरीका है कि आप इसका बॉटम अच्छे तरह से बनाएं, तो ये थोड़ा जो दोनों लाइन होंगी वो काफ़ी लंबी और इसमें दिखने लगेगी, जिससे आपको ये पेड़ का नीचे वाला पार्ट दिखे पार्ट जैसा लगने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 स्क्वायर नॉट बनाई हैं, तो इसके आगे हम कंप्लीट आगे स्क्वायर नॉट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से ये देखिए मैं करके आपको दिखा रही हूँ, एक साइड से हम थ्रेड लेंगे और दूसरी साइड को ऐसे इसके पेड़ के बीच की साइड को हम ले जाना शुरू करेंगे और डबल हिच नॉट लगाते हुए। जब आप इसमें क्या करना है कि जिस थ्रेड से आप नॉट लगा चुके हैं उसको भी इसके साथ में ले लेते हैं और सारों को पकड़ के डबल हिच नॉट लगाते हैं। तो जब आप जाएंगे अंदर तक तो आपको क्या करना है, बीच वाले 2 या 3 थ्रेड छोड़ देने हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइट हो जाएगा जब आप सारे दोनों साइड के थ्रेड्स को लेके आएंगे और ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको दिखेगा कि 2 से 3 जैसे ही आपको लगने लगे काफ़ी टाइट है और बीच में जगह नहीं बच रही है, तो क्योंकि हमें फिर इसको नीचे भी लाना है, जो थ्रेड आपको बचेंगे उनसे हमें तना बनाना है पेड़ का। तो ऐसे आप करते जाएंगे, दूसरी साइड से भी लेके आएंगे, फिर उनको आप नीचे की तरफ लाएंगे और उनको रैप कर देंगे या रैपिंग नॉट या गैदरिंग नॉट लगा देंगे, जिससे ये पेड़ के तने की तरह दिखने लगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं दूसरी साइड से भी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। दोनों जब इतना पास आ जाएं तो आप इनको ऐसे नीचे की तरफ लेके आइए और यहाँ पे एक रैपिंग नॉट बना लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक 50 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया है जिससे मैं इस पर रैपिंग नॉट लगा रही हूँ और आपका क्रिसमस ट्री बन के तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मेरी फ्रेंड को बहुत ही पसंद आया था और उसको क्योंकि मैक्रमे में इतना पता नहीं है तो उसको लग रहा था कि ये क्रोचेट की तरह क्रोचेट है क्रोशिया, क्योंकि ये जो हम जब हम पतला थ्रेड यूज़ करते हैं
मैक्रेमे में, तो ये एकदम क्रोशिया की तरह दिखने लगता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है, बारीक सा एकदम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।